અને કેદારમાં એકવાર ચોરાજી ગયે, રામચંદ્રજી ગયે, તો કોળામ ને રામચંદ્રજી ગયે, તો ભગવાન રામ કા મંદિર થાય અમને દર્શન કરી ગયે. ભગવાન રામ કરે, લક્ષ્મણ કરે, સીતા કરી, સમુદ્ર બાણ કે હુએ ચોરાજી કા જય રામ. શ્રી રામ લગતાર હું ગયું, અરણ બળવે દારૂ નો ગંજ દોષ ને ગંજ. રામ ને કાં ક્યા વાત ક્યા સુધી કરાય. उन्होंने कहा कि बात यह है कि मेरी पत्नी घूम गई और आज 15 दिन हो गए मिली नहीं, आज कुछ उपाय मेरा. तो राम जी ने कहा, देख भाई, अब मैं तेरे मां को कुछ कह नहीं सकता, मेरी खुद की पत्नी घूम गई. पत्नी घूम गई तो मैं तो कुछ कर नहीं सका. यहां से किरण तो हनुमान जी का मंदिर है, वो इस मामले में एक्सपर्ट है, गणपति है, हमने अलग अलग टुकड़ों में बात किया. एक टुकड़ा है नहीं, एक चरण नहीं, एक चिंतन नहीं. इसलिए अगर मैं कहता हूँ कि गणपति और लक्ष्मी और रुद्र एक ही है, आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर नहीं हो रहा है. ऐसा कैसे हो सकता है? वह एक अलग प्रतिमूर्ति है, रुद्र का अपने आप में अलग प्रतिमूर्ति है, गणपति अपने आप में अलग मूर्ति है, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? मगर तीनों का क्रम एक है, कार्य एक है. रुद्र का मतलब है कि हम रोग मुक्त हो, नाम अच्छी रहे. हमारे यहाँ रोग नहीं रहे, जीवन में अभाव नहीं रहे, सत्य नहीं रहे, पीड़ा नहीं रहे, समस्याएं नहीं रहे, बाधाएं नहीं रहे, उनके लिए रुद्र की साधनाएं सुरक्षित मानी गई. हम अपने मृत्यु को विजय प्राप्त कर सके, हम भी नहीं, हमारे पुत्र भी, पत्नी भी, बंधु बांधव, घर में अकाल मृत्यु नहीं है, कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है, हम जो भुगत रहे हैं भुगते नहीं. और इसके साथ ही घर में दरिद्रता भी नहीं है, धन रहे, ऐश्वर्य रहे, ये सब कुछ हो और वह भी हो, संपन्नता हो, प्रभुता हो, श्रेष्ठता हो, धन यश मान पद प्रतिष्ठा, ये सब कुछ हो. और इसके साथ ही साथ समस्त आने वाली विघ्नों का नाश होता रहे, आने वाली बाधाएं पहले से दूर हो जाए. हमारे जीवन में कोई समस्याएं आई नहीं, कष्ट नहीं आए, और हम एकदम पूर्णता के साथ में जीवन में सफलता प्राप्त करें. ऐसा ही एक प्रयोग केवल गणेश चतुर्थी को ही संपन्न हो सकता है, और साल में वो ही नहीं सकता. यह प्रयोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा प्रयोग केवल गणेश चतुर्थी को ही संपन्न होता है. इसीलिए शास्त्रों में गणेश चतुर्थी को अपने आप में बहुत महत्व है, और संयोग है कि आज हम गणेश चतुर्थी और गुरु दान ने और ऐसा प्रयोग आपके सामने. यह अलग बात है कि इसके बावजूद भी हमारा बुद्धि, हमारा तर्क इस बात को पूछा नहीं करे. मगर मैंने कल कहा कि आप एक बार आजमा के देखें, आप करें एक बार. ऐसा हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल शुद्ध भाव से करें और सफलता नहीं पाए. गणपति तो अपने आप में मैंने सन्यासी जीवन में सन्यासी मिले थे, अत्यंत उच्च कोटि थे, आज भी वे जीवित हैं. और उनमें बड़ी विशेषता यह थी कि वो बैठे रहते थे, और एक छोटी सी लाल कपड़े की झोली थी उनकी, मगर मिट्टी रहती थी क्योंकि उसे छह उंगल लंबी, छह उंगल चौड़ी रहते थे. और आप उनको जो भी मांगे वो उनमें से निकाल कर, रुपए मांगे रुपए, लड्डू मांगे तो लड्डू निकाल देते, और कुछ चीज मांगे हुआ थी तो झोली में से निकाल निकाल के रखे गए थे. मैं उनके साथ साथ आप मिल रहा, और उन्होंने ताकि एक गणपति की साधना का परिणाम है. उन्होंने अपनी आंख में छोटे से पाल गणपति को स्थापन कर रखा, आंख की पुष्टि के अंदर, और वो बाहर निकाल के उनकी पूजा करते बाकी स्थापन कर दी. ये अपने आप को सदैव की घटना है. इसका मतलब है कि गणपति साधना अपने आप में समस्त जीवन में पूर्णता देने वाली है,
और साथ साथ बाल गणपति की पूजा तो अपने आप करती है। यदि आप आज गणपति पूजन गणेश पूजन दर्शन करना चाहें तो अत्यंत से 15 किलो, 1-2 किलो नहीं, 1-2 तोला भी नहीं, क्योंकि पार्व को अपने आप में ठोस बनाना तो बहुत कठिन है। 15 किलो वजन के पार्व के गणपति आप उस तौर पर देखने को नहीं मिल जाए, जिनका दर्शन करना ही जीवन का एक पुण्यदायक देश है। इस वजन पर बात कर रहा, अगर ऐसा गणपति ऐसे गणपति घर में स्थापित हो तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुविधा कार्य होता है, ये रत्नीय चीज होती है, पूरे शहर के लिए वस्तु होती है कि कोई वस्तु है किसी के पास तो गणपति है। मैंने प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया था, वो अपने खुद गणपति के बहुत अच्छे साधक पाद गणपति दक्षिण में गणपति की बहुत अधिक प्रचलन है, बम्बई में गणपति ही पूजन होता है, वहां गणपति का सबसे अच्छा महाराष्ट्र पूरे में जितना गणपति का पूजन क्रम कीर्तन होता है उसका भागवत में कहीं होता ही नहीं। और फिर उस श्लोक के अनुसार आज का दिन उस गणपति की साधना का दिन है, लक्ष्मी को स्थापित करने का दिन है, लक्ष्मी को प्राप्त करने का दिन है, अपने सामने प्रत्यक्ष करने का दिन है, अपने जीवन में लक्ष्मी अनुकूल बनी रह सके, अभाव रही नहीं, जो चीज चाहे वो प्राप्त हो। और फिर पार्थ रुद्र हमारे सामने, भगवान शिवलिंग हो हमारे सामने, क्योंकि इन तीनों का अपने आप में पूर्ण संबंध है, इन तीनों को अलग करके मेरे हाथ को पूजन करने से गुरु की पूजन नहीं हो सकता, खाली लाल के पूजन करने से गुरु का पूजन नहीं हो सकता, गुरु तो पूरा शरीर है, किसी अंग विशेष का पूजन करने से उसका पूरा पूरा पूजन नहीं हो सकता। इसलिए तीनों के पार्थ रुद्र या पार्थ शिवलिंग को स्थापन कर और सामने जो मैं आपको मंत्र दूं उस मंत्र की साधना आप संपन्न करें, क्योंकि वह मंत्र अपने आप में गणेश उपनिषद से प्राप्त है, अपने आप में अद्वितीय है। उन सन्यासी से जिस सन्यासी में बात गई कि आंख में गणपति का छोटे मूर्ति रखते थे, उन्होंने जो मुझे मंत्र बताया था मैं आज अपने प्रसंग में उसी गणपति के मंत्र की चर्चा कर रहा हूं। मुझे आज प्रवचन तो उसकी और विषय बने जाता है पर गणपति और गणेश चतुर्थी मिली और मेरे जीवन का ये भी एक आपकी तत्व है कि मैं अपने शिष्यों के जीवन का अभाव और परेशानियों और बाधाओं को दूर कर सकूंगा, जब उनकी बाधाएं दूर हो पाएंगी तो साधना कर सकेंगे और साधना कर सकते उनमें श्रद्धा भाव पैदा हो सकेगा। आपने शुरू में पहले ही कहा कि श्रद्धा भाव का सबसे बहुत कठिन साधना ही नहीं, कोई साधना कठिन नहीं होती, साधना इतनी आसान है कि आप सफलता पाओगे ही यदि आप में और गुरु के बीच में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है, मंत्र के प्रति श्रद्धा होगी, मंत्र तीर्थ विजय देवे देव के जैसे गुरु जागृति भावना जैसे सागृति परिसम भया, जिसकी जैसी भावना होती है उसको फल वैसा ही मिलता है। हम जब हरिद्वार जाते हैं तो बहुत संतों के गंगा में डुबकी लगाते हैं और जो हरिद्वार में रहते पहले मत स्नान करते नहीं तो हम गंगा में सुंदर के नीचे स्नान करते हैं, भावना आपकी भावना कितनी श्रद्धा है उस पर डिपेंड है, उस मंत्र के प्रति, उस देवता के प्रति, उस गुरु के प्रति। मगर जो मैं मंत्र आपको देने जा रहा हूँ, जो मैं साधना देने जा रहा हूँ वो इतनी आसान साधना नहीं है, वो अपने आप अद्वितीय साधना है, वो सन्यासी की दी हुई साधना है जो सन्यासी ने सिद्ध की थी और वो सन्यासी के दिन के बाद मैंने खुद उस साधना को संपन्न करके देखा है, अनुभव किया है। साधना अपने आप में गणपति की साधना होते हुए भी रुद्र की साधना भी है, लक्ष्मी की साधना भी है, गणपति की साधना तो है, ये अद्वितीय साधना है। मैंने उनको कहा कि गणपति की साधना में ये पार्थ रुद्र या पार्थ शिवलिंग में क्या महत्व है, उनका गणपति का तात्पर्य है कि हम समूह के अधिपति बने, श्रेष्ठ बने, आयु होगी आप श्रेष्ठ क्या बने, आप चाहते हैं कि मैं संबंध बनू
संपन्न तो तब होंगे जब आपकी आयु होगी, जब आपकी आयु होगी नहीं, आप जर्जर होंगे, आप बीमार होंगे, अशक्त होंगे, खा उठ नहीं पाएंगे, चार घंटे बाद की मार्ग बैठ नहीं पाएंगे, आप मन प्रोत्साहन कर नहीं पाएंगे, आप आवाज करते रहेंगे, तो वह गणपति व धन व संपन्न की संपत्ति व ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो सकेगा, क्या लाभ हो पाएगा? सबसे पहला भेद तो जीवन है, लंबा जीवन हमारा पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, संबंध का, और उसके बाद जीवन में संपन्नता हो, ऐश्वर्य हो, भोग हो, सुख हो, सुधारे, और उसके साथ ही समस्त विघ्न को पड़ोसियों के आ सकते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है, जिद्दी गर्दी जा सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मारपीट हो सकती है, सौ तरह के प्रॉब्लम है, यदि आपने अंगों किया होगा तो अवसर की प्रॉब्लम है, नौकरी की प्रॉब्लम है, व्यापार की प्रॉब्लम है, ग्राफ नहीं आने की प्रॉब्लम है, मार्ग नहीं घटने की प्रॉब्लम है, नहीं दिखने का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम खत्म नहीं है, उन सभी समस्याओं का निस्तारण निर्णय गणपति की साधना के माध्यम से हो सकता है। इसलिए इस साधना को आज ही आपको संपन्न करना है, ये साधना केवल आज के दिन की ही साधना है, यद्यपि समापन समारोह में कुछ और प्रयोग मुझे आपको करवाने थे, और मेरा विचार ये था कि मैं केवल दो बार आपके सामने आऊं, सुबह प्रवचन करूं और फिर रात्रि को प्रवचन करूं, पर प्रवचन करने से कुछ नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि जो अद्वितीय साधना ज्ञान मुझे मिला है, और यदि ऐसा दिन है तो आप ऐसा कुछ कर सकें, ये आवश्यक है कि आपको दो घंटे ढाई घंटे बैठना पड़ेगा, ये आवश्यक है आपको एकाग्रता लानी पड़ेगी, हो सकता है कि तुम बैठा आनी पड़ेगी, मगर कितने आपको वापस 300 के बाद घेर करके आएगा, उस समय क्या समस्या होगी, क्या समस्या होंगी, क्या स्थितियां होगी, कुछ नहीं कर सकते आप साधना कर नहीं सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, साधनाओं में सफलता मिली भी नहीं मिली, आपका संपत्ति होगी नहीं, गुरु सामने होंगे नहीं, आज तो ये सब साधन सुविधाएं आपकी झुकी है, इसलिए कि शायद ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल। मैं प्रयोग को और मंत्र को आपके सामने बता देता हूं, आप उसको नोट कर लें और बीच में बोले लें, एक बार एक दो काम खुले रखते सुने।